भांडेर में 25 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद मृतका के मायके पक्ष के लोगों ने अस्पताल में ससुराल पक्ष के लोगों के चप्पलों से पिटाई लगा दी। युवती के मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप लगाया और उनका आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। निवाड़ी की रहने वाली पूनम की शादी लगभग 5 साल पहले भांडेर निवासी देवेंद्र साहू के साथ हुई थी। शादी के बाद से ससुराल पक्ष पूनम को दहेज के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। ससुराल पक्ष की डिमांड थी कि उन्हें 5 लाख रुपए और एक बुलेट बाइक दी जाए। इस सबसे तंग आकर पूनम ने खुदकशी कर ली, लेकिन मृतका पूनम के पिता ने बताया कि उनकी बेटी को ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित तो करते ही थे, हम उनकी जब डिमांड पूरी नहीं कर पाए तब से वो बेटी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। जब से बेटी की शादी हुई तब से बेटी को एक बार भी उन लोगों ने मायके नहीं भेजा। इसके बाद ससुराल पक्ष ने बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी और इसे फांसी लगाना बता दिया। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। मारो है साहब, दमाद ने हुआ का ससुर ने 5-6 लोगों ने मारो, कोनो झगड़ा नहीं है, तू काना जी काना बुलेट मांगते और पैसे मांगते थे 5 लाख रुपए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।